नमस्कार, इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में आई एफएसएल रिपोर्ट। बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। रेव पार्टियों में नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे सांपों के जहर के मामले में जयपुर की एफएसएल की रिपोर्ट में सांपों के जहर होने की पुष्टि हुई। इस जांच रिपोर्ट में कोबरा और कैरैट प्रजाति के सांप का जहर होना पाया गया है। रेव पार्टियों और क्लबों में जहर सप्लाई की जाती थी। नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को जांच के लिए सांपों के जहर का सैंपल भेजा था। अब नोएडा पुलिस ने जयपुर की रिपोर्ट मिल गई है। मामले में अब धाराओं में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव पर पिछले साल के नवंबर महीने में कई गंभीर आरोप लगे थे। नोएडा के सेक्टर 49 कोतवाली में उनके खिलाफ जहरीले सांपों की तस्करी और गैर कानूनी रेव पार्टियां करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में काम करने वाले गौरव गुप्ता ने दर्ज करवाया था। अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। मामले में माना जा रहा है कि एल्विश यादव से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। नोएडा पुलिस पूर्व में कार्रवाई के क्रम में एल्विश के सभी ठिकानों पर पहुंची थी, साथ ही दिल्ली गुरुग्राम में हुई रेव पार्टियों का ब्यौरा भी इकट्ठा किया था। आरोप ये भी है कि एल्विश यादव हरियाणा और एनसीआर के फार्म हाउसों में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते थे, साथ ही रेव पार्टी में सांप के जहर का भी यूज होता था। नोएडा पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ था। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रैट स्नेक था। इसी जहर को जांच के लिए भेजा गया था। ये जहर कैरैट प्रजाति के सांप का निकला। ये सांप काफी जहरीला होता है। फिलहाल माना जा रहा है कि एल्विश की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी उत्तराखंड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।